Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I'm going to analyze Unit 1st of Block 2 from the course BEGC 102 European Classical Literature. In this unit, we are going to look at how Greek theatre emerged in ancient Greece, and then we will look at some major playwrights, and then we will look at tragedy as a literary term. हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि tragedy का मतलब क्या होता है and उसके four basic elements given by Aristotle in his work Poetics उसको भी discuss करेंगे, which are mimesis, catharsis, peripeteia and anagnosis, which are very important. And then we will briefly look at the role of fate and destiny and then emotion and meaning in tragedy. So this video is going to be very important if you want to really understand ancient Greek literature. Okay, so let us first talk about how Greek theater emerged. So as you all know, in earlier times, Greek theater began in the 6th century BC and it was a part of religious ritual. ठीक है, ये एक religious ritual का part था. जैसे इंग्लिश हिस्ट्री डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइडेड है, उसी तरह एंशियंट ग्रीक हिस्ट्री भी तीन पीरियड्स में डिवाइडेड है. पहला है आर्किक पीरियड, 8th to 6th century, एंड इस पीरियड में होमर ने अपने दो एपिक्स को कंपोज किया था, द इलियड एंड द ओडिसी. एंड इस पीरियड में जो लिटरेचर था इट वाज मेनली ओरल. ठीक है, इसको ओरली ही सुनाते थे लोग. ठीक है, ओरली ही ट्रांसमिट किया जाता था. एंड उसके बाद आता है क्लासिकल पीरियड. क्लासिकल पीरियड में वी कैन सी द एमर्जेंस ऑफ सिटी ऑफ एथेंस. सिटी ऑफ एथेंस बहुत पावरफुल बन गया था. इट बिकेम द सेंटर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, पोलिटिकल डेवलपमेंट हो रही थी, एवरीथिंग वॉज हैपनिंग राइट. एंड वहीं से फिर हमें ट्रेजिडीज और सटायर प्लेस का इमर्जेंस देखने को मिलता है. एंड इस क्लासिकल पीरियड में बहुत सारे ट्रेजेडियंस ने अपने ट्रेजेडीज लिखी हैं, जैसे एस्किलस, सोफोकल्स, यूरोपिडस, एरिस्टोफेंस की ओल्ड कॉमेडी. एंड देन देयर इज हेलेनिस्टिक पीरियड, जिसमें हमें ग्रीक पॉलिटिकली डिक्लाइंड होता हुआ नजर आता है एंड रोमन यू नो इमर्ज होता है, रोमन का इमर्जेंस देखने को मिलता है. So this is the division of ancient Greek literature into three periods. So as I have just told you, कि पहले जो drama था वो एक religious ritual का part हुआ करता था. And पहले tragedies क्यों लिखी जाती थी? In order to honor the pantheon of God. ठीक है, gods को honor करने के लिए पहले festivals celebrate की जाती थी. And city of Athens में spring के season में एक festival को celebrate किया जाता था, जिसका नाम था festival of Dionysia. इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता था गॉड डायोनिशियस को ऑनर करने के लिए. गॉड डायोनिशियस वाज द गॉड ऑफ वाइन, रिचुअल मैडनेस, फर्टिलिटी, थिएटर एंड रिलीजियस एक्सटेसी. एंड देन ही इज आल्सो नोन एज द पेट्रन ऑफ आर्ट्स एंड ही वाज द सन ऑफ ज्यूस. सो गॉड डायोनिशियस को ऑनर करने के लिए स्प्रिंग के सीजन में फेस्टिवल ऑफ डायोनिशिया को सेलिब्रेट किया जाता था. एंड इस फेस्टिवल में कंपटीशन होती थी ट्रेजेडीज की, यानी कि हर एक ट्रेजेडियन अपने ट्रेजेडीज लिख के आती थी एंड हर एक ट्रेजेडियन तीन तीन ट्रेजेडीज लिखती थी, यानी कि वो ट्रिलोजीज में लिखती थी. ठीक है, ट्रिलोजी में तीन प्लेस होते थे. तो उस टाइम पे एस्किलस, सोफोकल्स और यूरोपिडस लिख रहे थे. एंड एस्किलस इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी एंड ये बहुत सारे फर्स्ट प्राइजेस जीते हैं. एंड कहा जाता है कि पहले तो ट्रेजेडी में एक ही कैरेक्टर हुआ करता था, लेकिन एस्किलस ने सेकंड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन किया, देन सोफोकल्स ने थर्ड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी किया. तो एस्किलस एंड सोफोकल्स का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन द ट्रेजेडी, इन द ग्रीक ट्रेजेडी. एंड ट्रेजेडी के साथ साथ कॉमेडी प्लेज भी होती थी एंड सटायर प्लेज भी होती थी. सो देयर यूज टू बी थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ प्लेज परफॉर्म्ड इन द एंशियंट ग्रीस, विच आर ट्रेजेडी प्लेज, कॉमेडी प्लेज एंड सटायर प्लेज. ठीक है, सो इस सेक्शन में हम लोग कुछ कुछ ग्रीक प्लेराइट्स, मेजर प्लेराइट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, एस्किलस इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी एंड इन्होंने बहुत सारे यू नो प्लेज लिखे थे एंड बहुत बार ये फर्स्ट प्राइजेस भी जीत चुके हैं. एंड इट इज़ सेड दैट ही हैज़ रिटन 70 to 90 ट्रेजेडी, लेकिन इनके साथ ही ट्रेजेडी अभी तक सर्वाइव कर चुकी है. एंड इनका जो फेमस ट्रेजेडी है, जिनको
हम लोग अभी भी पढ़ते हैं वो है द ओरेस्टिया ट्रिलोजी। सो द ओरेस्टिया एक ट्रिलोजी है, इसका मतलब इसके अंदर तीन प्लेज हैं विच आर एगमेमनॉन, लाइबेशन बेरोस एंड द यूमेनाइटिस। सो ये जो ट्रिलोजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, एंड ये ऑफन क्वेश्चंस में पूछा जाता है। नेक्स्ट द पर्सियन सप्लायन, सेवन अगेंस्ट थीब्स एंड प्रोमिथियस वॉर, ये सब कुछ कुछ इनके सर्वाइविंग प्लेज हैं जो अभी तक सर्वाइव कर चुकी हैं। देन सोफोकल्स, सोफोकल्स भी अनदर प्रोमिनेंट ग्रीक प्ले राइट है, एंड इन्होंने तीसरे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन किया था इन ट्रेजेडी प्ले। ओके, एंड ही हैज़ ऑल्सो रिटन 120 प्लेज, बट कुछ ही प्लेज सर्वाइव कर चुकी है इन कंप्लीट फॉर्म, एंड इन्होंने भी बहुत बार फर्स्ट प्राइजेस जीते हैं। इनका फेमस ट्रेजेडी है, इनका फेमस प्ले है द थ्री थीबन ट्रिलोजी। थीबन ट्रिलोजी भी एक ट्रिलोजी है, इसमें तीन प्लेज है, एडिपस रेक्स, एडिपस एट कोलोनस एंड एंटीगनी। इसके साथ साथ इन्होंने एजिक्स लिखा था एंड वुमेन ऑफ ट्रैकीस लिखा था, एंड बहुत सारे ऐसे ही प्लेस भी लिखे थे। नेक्स्ट इज यूरोपिडस। यूरोपिडस ने भी बहुत सारे प्लेस लिखे थे, ओवर 90 प्लेस, एंड ही वाज लिटिल अंडररेटेड। एंड इन्होंने मीडिया, हेराक्लेस, हेराक्लेस द ट्रोजन वुमेन, देन द चिल्ड्रन ऑफ हेराक्लेस, ऐसे बहुत सारे प्लेस लिखे हैं एंड्रोमैके। एंड हेक्यूबा एंड ट्रोजन वुमेन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम लोगों ने इलियड पढ़ा था। सो इलियड जो वॉर था उसके बाद कंडीशन कैसे हो जाती है खासकर वुमेन की, ठीक है? तो इनका जो प्ले है ट्रोजन वुमेन एंड हेक्यूबा, इनको अगर हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो ट्रोजन वुमेन के कंडीशन आफ्टर दी ट्रोजन वॉर को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल फॉर यू टू एटलीस्ट गो थ्रू द समरी ऑफ द ट्रोजन वॉर एंड हेक्यूबा, एंड इनका फेमस वर्क है मीडिया। देन नेक्स्ट प्ले राइट इज एरिस्टोफेंस। सो एरिस्टोफेंस इज नोन एज द फादर ऑफ ओल्ड कॉमेडी, एंड ही यूज टू रोट कॉमेडी। सो दो तरह के कॉमेडीज थे, ओल्ड कॉमेडी एंड न्यू कॉमेडी। सो ओल्ड कॉमेडी एरिस्टोफेंस लिखते थे, एंड न्यू कॉमेडी प्लॉटस है, उसके बाद मेनांडर है। सो ये सब न्यू कॉमेडी लिखते थे, एंड नेक्स्ट ब्लॉक में हम लोग प्लॉटर्स का पॉट ऑफ गोल्ड भी पढ़ेंगे। सो इन्होंने भी बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, एंड ये बेसिकली क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे लोगों को अपने वर्क में, एंड इन्होंने सोक्रेटिस का भी बहुत सीवियर क्रिटिसिज्म किया है अपने वर्क्स में। सो इनके वर्क्स है द क्लाउड्स, द फ्रॉक्स, नाइस, लिसिस्ट्राटा, पीस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इनके फेमस वर्क्स दिए गए हैं, एंड जो सबसे फेमस वर्क है हर एक प्ले राइट का आई हैव टोल्ड यू, ठीक है? जैसे एस्किलस का फेमस वर्क है ओरेस्टिया, उसमें एगेमेमनॉन, लाइबेशन बियर एंड यूमेनाइडीज आता है। सोफोकल्स का थीबन ट्रिलॉजी, एडिपस रेक्स, एडिपस एट कोलोनस एंड एंटीगनी। यूरिपिडस का मीडिया, एंड एरिस्टोफेंस का द क्लाउड्स, द फ्रॉग्स, ये सब सभी इनके फेमस वर्क है विच यू मस्ट रिमेम्बर। ओके, सो दीज वर सम प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट ग्रीक प्ले राइट्स। नाउ इन दिस सेक्शन वी विल बी लुकिंग एट ट्रेजेडी एज अ लिटरेरी टर्म। हम लोग अब ट्रेजेडी को समझने की कोशिश करेंगे। सो इन आवर डे टू डे लाइफ हम लोग ट्रेजेडी वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है? एक कॉमन पार्लेंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, सो वी कॉल इट अ ट्रेजेडी। किसी के साथ कुछ बहुत बुरा घटना हो गया, सो वी ऑल्सो कॉल इट अ ट्रेजेडी। लेकिन लिटरेचर के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी का क्या मतलब है हम लोग वो अभी देखेंगे, एंड वी विल ट्राई ट्रेजेडी एज अ लिटरेरी जॉनरा। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रेजेडी वी नीड टू लुक एट द डेफिनेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का डेफिनेशन दिया है अपने वर्क पोएटिक्स में, तो अभी हम लोग उसको रीड करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रेजेडी होती क्या है। सो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। तो ट्रेजेडी क्या है, एक एक्शन का इमिटेशन है, विच मीन्स इट इज अ माइमेटिक आर्ट, एंड ये एक एक्शन का इमिटेशन है, विच मीन्स कि कोई एक इवेंट, कोई एक इंसिडेंट रियल लाइफ में हुई है, इट हैज टेकन प्लेस, एंड उसका इमिटेशन है ट्रेजेडी। एंड वो एक्शन सीरियस होना चाहिए, नॉन सीरियस होने से नहीं चलेगा, इट शुड बी कंप्लीट एंड इट हैज सम मैग्नीट्यूड, उसमें मैग्नीट्यूड भी कुछ होना चाहिए, इट हैज सम वैल्यू एंड ऑफ काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, विच मीन्स कि एक ट्रेजेडी को सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाना चाहिए, इट शुड हैव सम आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, इट शुड हैव सम आर्टिस्टिक लैंग्वेज थ्रू आउट। पूरे ट्रेजेडी में आर्टिस्टिक लैंग्वेज हमें देखने को
मिलना चाहिए, ठीक है। द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नैरेटिव, विच मीन्स कि ट्रेजेडी हमेशा माइमेटिक आर्ट होना चाहिए, विच मीन्स कि माइमेसिस का मतलब क्या है, माइमेसिस जो वर्ड है वो माइम सा है, विच मीन्स टू एक्ट एंड शो इनैक्टमेंट्स, विच मीन्स कि ट्रेजेडी जो है वो स्टेज में प्ले की जाएगी एंड देयर विल बी एन इन्वॉल्वमेंट एन ऑडियंस। ऑडियंस का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी, उससे उसको हम लोग बोलते हैं माइमेटिक आर्ट, एंड उसको हम लोग बोलते हैं दैट द ट्रेजेडी इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, मतलब कि कोई उसे पढ़ के सुनाएगा नहीं, ठीक है। इट शुड नॉट बी अ फॉर्म ऑफ क्लोजेट ड्रामा, सो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नैरेटिव विद इंसिडेंट अराउजिंग पिटी एंड फियर। एंड उस ट्रेजेडी को देख के आपको उस ट्रेजिक हीरो के प्रति सिंपथी जागनी चाहिए एंड डर भी यू नो पैदा होना चाहिए, ठीक है, कि आपके साथ भी ये हो सकता है एंड यू शुड बी केयरफुल। एंड एट लास्ट कैथारसिस भी होना चाहिए। कैथारसिस का मतलब है द पर्गेशन ऑफ योर इमोशन, द क्लेंजनिंग ऑफ योर इमोशन, प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन को हम लोग बोलते हैं कैथारसिस। तो कैथारसिस भी होना चाहिए, विच मीन्स कि एसेंशियल इमोशंस का इवोक होना चाहिए अगर आप एक ट्रेजेडी देख रहे हैं। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी गिवन बाय एरिस्टोटल इन हिज बुक द पोएटिक्स, ठीक है। तो ट्रेजेडी का मतलब ये होता है। एंड देन अभी हम लोग नेक्स्ट फॉलोइंग यूनिट्स में ईडिपस रेक्स पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से पता चलेगा। एंड नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि ट्रेजेडी का बेसिक एलिमेंट्स को देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू लुक एट फोर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी। सो द फोर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी आर माइमेसिस, कैथारसिस, पेरिपीटिया एंड एनेक्नोरिसिस। एंड ये चारों जो बेसिक एलिमेंट्स है ये कौन दिया है, ये एरिस्टोटल ने दिया है इन हिज बुक द पोएटिक्स। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज माइमेसिस। सो एज आई जस्ट टोल्ड यू कि माइमेसिस जो वर्ड है ये माइम से आया है, विच मीन्स टू एक्ट और टू शो इनैक्टमेंट्स। एंड ट्रेजेडी इज अ माइमेटिक आर्ट, विच मीन्स कि ट्रेजेडी में क्या होती है, एक्शन होती है, इट इज नॉट अ नैरेटिव और डायजेस्टिक। ओके, एंड माइमेसिस इज ऑल्सो द इमिटेशन ऑफ लाइफ इन आर्ट एंड लिटरेचर। जो माइमेसिस है वो लाइफ का क्या है, इमिटेशन है। सपोज आपके अंदर कुछ आइडिया है एंड आप उसको लिख रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, सो वो जो प्रोडक्ट हो गया दैट इज द इमिटेशन ऑफ योर आइडिया, ठीक है। तो ट्रेजेडी भी क्या होता है, वो इमिटेशन किया जाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े ना डेफिनेशन, कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, ये एक्शन का क्या होता है, इमिटेशन होता है। तो ट्रेजेडी का जो पहला एलिमेंट है वो है माइमेसिस। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि एरिस्टोटल जो है ही इज द डिसाइपल ऑफ प्लेटो, ये प्लेटो के डिसाइपल है। एंड एरिस्टोटल एंड प्लेटो ने दोनों ने ही थ्योरी ऑफ इमिटेशन यानी माइमेसिस के बारे में बात की है। प्लेटो ने अपने वर्क रिपब्लिक में माइमेसिस के बारे में बात की है एंड एरिस्टोटल अपने बुक पोएटिक्स में माइमेसिस के बारे में बात की है। तो प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो को एक्चुअली पोएट्स लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड ही जस्ट वांटेड टू बैनिश द पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड। एंड इन्होंने अपने वर्क रिपब्लिक में क्या कहा है कि पोएट्री इज अ मियर इमिटेशन ऑफ आर्ट, ठीक है। पोएट्री क्या है, सिर्फ एक इमिटेशन ऑफ आर्ट है, ठीक है। उसमें हम लोग सिर्फ इमिटेट करते हैं यानी नकल करते हैं, यानी कि देयर इज नथिंग रियल इन इट, कुछ रियल नहीं है, हम लोग कुछ इंस्पिरेशन नहीं ले सकते हैं, एकदम बेकार चीज़ है। प्लेटो ने पोइट्री के बारे में यह कहा। एंड हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब हम लोग इलियड पढ़ रहे थे तो इलियड में भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि जो इलियड है इट डज नॉट अपहोल्ड एनी लेसन्स फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि ये कुछ भी लेसन्स नहीं देता है। ओके, एंड इसी को मद्देनजर रखते हुए एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया था किसको, प्लेटो को। तो एरिस्टोटल ने कहा कि नहीं, इमेजिनेशन शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस एंड हम लोग ह्यूमंस हैं एंड वी हैव दिस यूनिक क्वालिटी टू इमेजिन, ठीक है। एंड बहुत सारा जो पोइट्री है इट गिव्स अस ट्रू इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन भी देती है। एंड प्लेटो ने और एक बात कही थी कि पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियालिटी, ठीक है। पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियालिटी, विच मीन्स हम एग्जाम्पल देते हैं। सपोज हम एक पॉटर है यानी कि हम मिट्टी का घड़ा वड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे जहन में ये आइडिया आया कि मुझे घड़ा बनाना चाहिए, तो हम उस आइडिया का कॉपी कर रहे हैं और मैंने क्या बनाया, घड़ा बनाया, ठीक है। अब कोई पेंटर आता है, उस घड़ा को देखता है, बहुत सुंदर लगता है एंड उसकी क्या करता है, एक पेंटिंग बनाता है उस घड़े की, ठीक है। अब वो जो पेंटिंग हो गया
वो क्या है, वो कॉपी का कॉपी है, ठीक है। यानी कि मैंने अपने आइडिया को कॉपी करके घड़ा बनाया, देन उसने घड़े को देख के एक पिक्चर बनाया। सो द पिक्चर इज द कॉपी ऑफ कॉपी, ठीक है। सो इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ओके। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी और इट इज अ कॉपी ऑफ कॉपी। सो ये है माई मैसेज, सो यू नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज कथार्सिस। कथार्सिस का मतलब क्या होता है कि प्योरिफिकेशन और क्लेंजिंग ऑफ योर इमोशन, पर्गेशन ऑफ योर इमोशंस, ठीक है। यानी कि जब भी आप ट्रेजेडी देखते हो, ठीक है, तो आपके अंदर फियर, पिटी, ये सब इमोशंस इवोक होनी चाहिए। यू शुड फील सिंपथेटिक विद द ट्रेजिक हीरो, ओके। जैसे कि अभी हम लोग कोई एक्शन फिल्म देखे या कुछ भी फिल्म देखे, अगर कुछ इमोशनल सीन आता है तो वी ऑल्सो बिकम इमोशनल। तो इट इज द सेम थिंग, यानी कि इफ यू आर वॉचिंग अ ट्रेजेडी, इफ यू आर वॉचिंग अ ड्रामा, देन वो डिजायर्ड इमोशन आपके अंदर क्या होना चाहिए, इवोक होना चाहिए। जैसे कि इडिपस रेक्स के साथ जब पता चलता है कि वही अपने फादर को किल करता है, एंड जो प्रोफेसीज की गई थी उसके ऊपर वो मतलब वो सही होती है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। वी फील पिटी, एट द सेम टाइम वी आर स्कैर्ड ऑल्सो, क्योंकि हमें लगता कहीं ये हमारे साथ ना हो जाए। तो उस तरह के इमोशंस, जो इमोशंस अभी ट्रेजिक हीरो फील कर रहा है, उसी तरह के इमोशंस हमारे अंदर भी इवोक होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कथार्सिस। सो कथार्सिस इज द प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, क्लेंसिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है, पर्गेशन ऑफ इमोशंस। सो दिस इज कथार्सिस। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज पेरिपीटिया। पेरिपीटिया इज अ सडन चेंज ऑफ इवेंट्स और रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस, स्पेशली इन अ लिटरेरी वर्ल्ड इन पर्टिकुलर ड्रामा। यानी कि ड्रामा में क्या होता है कि एक सडन ट्विस्ट हो जाता है या कुछ ऐसा चेंज ऑफ इवेंट्स हो जाता है जिसकी वजह से जो प्रोटैगनिस्ट का जो फेट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं पेरिपीचिया। यानी कि एक सडन चेंज ऑफ इवेंट्स या रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस देखने को मिलता है। जब हम लोग इडिपस रेक्स पढ़ेंगे तब हम लोग देखते हैं कि वो राजा है, ठीक है, एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द मर्डर ऑफ लाइस, एंड जब सच सामने आता है तो एकदम पूरा क्या होता है, सर्कमस्टांसेस रिवर्स हो जाता है। सो दैट इज पेरिपीटिया, ओके। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। सो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि पेरिपीटिया इज अ सडन चेंज ऑफ इवेंट्स और रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस। एकदम सडन ट्विस्ट होता है और सर्कमस्टांसेस एकदम रिवर्स हो जाती है, यानी सिचुएशंस रिवर्स हो जाती है, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एनेक्नोरिसिस। एनेक्नोरिसिस मतलब रिकग्निशन। सो दैट दिस टर्म रेफर्स टू द रिकग्निशन और डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नेचर ऑफ हिज ओन प्रेडिकमेंट। यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है, जो ट्रेजिक हीरो है, उसको अपने ही अवस्था, अपने ही स्थिति के बारे में पता चल जाता है। सो इट इज द रिकग्निशन और डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नेचर ऑफ हिज ओन प्रेडिकमेंट। अपने ही स्थिति के बारे में उसको पता चल जाता है, एंड देन इट इज कॉल्ड एनेग्नोरिसिस। यानी कि इडिपस जो होता है उसको भी पता चल जाता है दैट ही इज द मर्डरर ऑफ हिज फादर एंड ही हैज मैरिड हिज ओन मदर। सो उसको फिर पता चल जाता है, ठीक है, अपने प्री डॉक्यूमेंट के बारे में। सो दैट इज एनेग्नोरिसिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द फोर बेसिक एलिमेंट्स, एंड दीज एलिमेंट्स आर बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर रीडिंग अ ग्रीक ट्रेजेडी। नाउ इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू लुक एट द रोल ऑफ फेट एंड डेस्टिनी। सो वी आर गोइंग टू रीड इडिपस रेक्स इन डिटेल इन द सब्सिक्वेंट यूनिट्स, एंड वी विल सी एंड वी विल एग्जामिन दैट द रोल ऑफ फेट एंड डेस्टिनी इज क्वाइट डोमिनेट हियर ऑल्सो। जब हम लोग महाभारत पढ़ रहे थे, जब हम लोग इलियड पढ़ रहे थे, सो वी सॉ द फेट एंड डेस्टिनी, वी सॉ द थीम्स एंड मोटिव्स ऑफ डेस्टिनी एंड फेट, एंड वी सॉ दैट इट इज अ रेकरेंट थीम इन द वर्क्स। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि डेस्टिनी इज प्री ऑर्डेंड, इट इज प्री डिसाइडेड, एंड मैन हैज नो कंट्रोल ओवर इट, ठीक है, इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इन द इलियड ऑल्सो, इन द केस ऑफ हेक्टर्स एंड एकिलिसिस, वी सी दैट दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर फेट, ओवर देयर डेस्टिनी, एंड दे मीट देयर फेट इन दैट सेंस। एंड ट्रेजिडी दस प्रोवाइड्स अ टेरिबल इंसाइट इन टू लाइफ वेर मैन हैज
no control over forces that predetermined to destroy him. There is a proverb, what is lotted cannot be blotted, which means कि जो भी आपकी किस्मत में है वो होके ही रहेगा. Similarly, Oedipus Rex के केस में भी हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर जो prophecy की गई थी, he was trying to avert those prophecy and he was trying his best कि वो prophecy सच ना हो, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है, अपने birth place से भाग जाता है. एंड लेकिन फिर भी क्या होता है, एक sudden turn of events होता है एंड वो सब सारी चीज़ें हो जाती हैं जो उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुकी है. सो वी कैन सी दैट ईडिपस हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज ओन फेट एंड इट इज़ प्री डिटरमिंड. ठीक है, वो पहले से डिसाइडेड था. सो द रोल ऑफ फेट एंड डेस्टिनी इज डोमिनेंट एंड वी कैन से दैट द डेस्टिनी इज प्री डिटरमिंड एंड वी आर द पपेट्स ऑफ गॉड. Next in this section, we will look emotion and meaning in tragedy. So reading the play or watching it on stage, we arrive at a disturbing conclusion that man is a puppet in the hands of some higher powers. ठीक है, इस play को जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये question आ सकता है दिमाग में कि भगवान ने जो डिसाइड किया था, ठीक है, वही सब तो हुआ. सो इसमें ना ईडिपस की गलती है ना किसी और की गलती है. ठीक है, सो जो पहले से लिखा हुआ था वही सब हुआ, राइट? सो मैन इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ सम हायर पावर्स, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. जो ऑलरेडी उसके डेस्टिनी में लिखी हुई थी वो सब चीज़ें तो हुई, लेकिन वट हाउ ही रिएक्टेड दैट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, हाउ ही कन्फ्रंटेड द ट्रुथ, दैट इज इम्पॉर्टेंट. विच मीन्स जब ईडिपस रेक्स को जब पता चल जाता है सब कुछ, ठीक है, जो प्रोफेसिस उसके बारे में की गई थी वो सब सच थी एंड ही इज द मर्डरर ऑफ हिज ओन फादर एंड ही हैज मैरिड हिज ओन मदर, देन ही वट ही डज, ही पोक्स हिज आईज एंड ही पनिशेज हिमसेल्फ एंड ही एक्साइल्स हिमसेल्फ. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट हाउ वी कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेज. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो इन दिस यूनिट यही सब चीज़ें कही गई है इस सेक्शन में. एंड जो शुरू का जो यू नो चीज़ें थी, ग्रीक थिएटर कैसे इमर्ज हुआ, देन ट्रेजेडी कैसे इमर्ज हुई, देन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप उसको एक बार पूरे अच्छे से पढ़ लेना. एंड ये जो दो सेक्शन था, द रोल ऑफ फेट एंड डेस्टिनी एंड इमोशन एंड मीनिंग, मीनिंग वाला, सो यू कैन जस्ट रीड इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑन योर ओन, बिकॉज महाभारत में, इलियड में ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत पढ़ी है. सो जस्ट गिव इट अ लुक, ओके, जस्ट गिव इट अ रीडिंग, ओके. एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस यूनिट वेरी वेल. एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड देन प्लीज गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. In the subsequent videos, I will be analyzing unit 2, 3, and 4. So stay tuned and wait for more videos like this. Thank you.